हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑनलाइन शाइन ऐप। एंड मी प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, हु इज टीचिंग यू अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर लास्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल 4 चैप्टर 3। सो द लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन शाइन ऐप फॉर एवर टू गेट सम सच एजुकेटिव वीडियोस। So here I will talk about BOP, that is balance of payment, and international trade के वजह से जो currency fluctuations होते हैं या currency rate कैसे fix होते हैं। So till now, in the fourth module, what we have spoken about here, discussed about was international trade, its advantages, disadvantages, foreign direct investment, foreign portfolio investors. Then we spoke about free trade, protectionism, and finally I am here to talk about balance of payment. Students and friends who are watching this video, ट्रस्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स, दैट इज इंडिया। इट मेनली टॉक्स अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हम करते हैं। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मेनली टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको इजी बना देता हूँ। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का गुड्स इम्पोर्ट किया है फ्रॉम अदर कंट्री और सिर्फ 8 रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं टू अदर कंट्री, सो 2 रुपया हम बीओपी डेफिशिएट में जाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों। ऑन द अदर हैंड, इफ वी एक्सपोर्ट 20 रुपीज का प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सम अदर कंट्री और इम्पोर्ट सिर्फ हम 15 रुपए का करते हैं, तो हम 5 रुपया एक्सपोर्ट या बीओपी, आई वुड से हम 5 रुपीज बीओपी सरप्लस में जाते हैं। ठीक है, सरप्लस का बेनिफिट यही है दोस्तों कि वी आर अर्निंग मोर एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इम्पोर्ट भी जरूरी है फ्रेंड्स। व्हाई? बिकॉज इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, बिकॉज अब तक हम डेवलपिंग इकोनॉमी, आप मानोगे नहीं, डेवलप्ड इकोनॉमी भी इम्पोर्ट करती है बट कंट्रोल में रखती है बिकॉज वो डेवलप्ड है, सेल्फ सफिशियंट है। बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हम हमेशा जब तक डेवलपिंग रहेंगे हमारा बीओपी डेफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इम्पोर्ट ज्यादा होंगे ना कि हमारे एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने के और भी तरीके, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के और भी तरीके हैं और इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने के और तरीके, जो आज ये वीडियो में देखेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल, बिकॉज मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चीजों को समझाऊंगा। टॉकिंग अबाउट बीओपी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बीओपी टॉक्स अबाउट और डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कुछ टाइप्स है बीओपी के जो मैंने पीपीटी में भी शेयर किया है, स्ट्रक्चरल बीओपी, फंडामेंटल बीओपी, साइक्लिकल बीओपी, मेनली इसको डिस इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि फंडामेंटल डिस इक्विलिब्रियम, शॉर्ट टर्म डिस इक्विलिब्रियम, साइक्लिकल डिस इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिस इक्विलिब्रियम। साइक्लिकल डिस इक्विलिब्रियम प्रॉस्पेरिटी रिसेशन डिप्रेशन के बारे में बात करता है कि हम जब ज्यादा प्रॉस्पर करते हैं तो प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा होता है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, कमाते ज्यादा। स्ट्रक्चरल डिस इक्विलिब्रियम मेनली टॉक्स अबाउट द प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटी विच पीपल गिव। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा, अगर हम फॉरेन प्रोडक्ट्स या क्वालिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो हम ज्यादातर डेफिशिएंट में रह जाएंगे क्योंकि इम्पोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे ये जनरेशन आईफोन ज्यादा खरीदते हैं या ज्यादातर हमारे मोबाइल फोन, गैजेट्स, लैपटॉप इम्पोर्टेड है, तो दोस्तों उतने ही पैसे का गुड्स हमें उनको बेचना पड़ेगा इन फ्यूचर, क्योंकि हमने अपना रुपीज उतना ही उनको दिया है टू परचेज दोस प्रोडक्ट्स। और अगर हम वो रुपीज के बदले उनको सामान नहीं बेच पाते तो हमारा करेंसी वर्ल्ड लेवल पे डेप्रिशिएट होगा। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। सो जब आप कोई भी चीज खरीदते हो, ऑलवेज थिंक अबाउट बीओपी ऑफ द नेशन, बिकॉज हमारे इंडिविजुअल परचेसेस से भी बीओपी इफेक्ट होता है। सो टॉकिंग अबाउट बीओपी द फर्दर पार्ट, ये तो थे उनके इश्यूज। ठीक है, बीओपी डेफिशिएट में क्यों जाता है या बीओपी डिस इक्विलिब्रियम के रीजंस मैंने अपने स्लाइड में शेयर किया। वॉच दैट प्रॉपरली कि जब ज्यादा इंपोर्ट होता है और लेस एक्सपोर्ट्स होता है वो इश्यू होता है। जब बोरिंग ज्यादा हो जाती है फ्रॉम आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक तो इश्यू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी डिपेंड मोर, एज आई सेड, वी इंपोर्ट मोर, तो उससे बीओपी डेफिशिएट में जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, उसके लिए हमारे पास अगर सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है वी विल इंपोर्ट मोर, अगेन लीडिंग टू द सेम इन्फ्लेशन। अगर महंगाई बढ़ेगी हमारे कंट्री में, हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, अगेन लीडिंग टू डेफिशिएट। सो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने यहाँ शेयर किया मेरे पीपीटी में, लीडिंग टू बीओपी डेफिशिएट। व्हाट आर द मेजर्स, सॉल्यूशन क्या है दोस्तों इस चीज का। सो द नेक्स्ट स्लाइड, द लास्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट सॉल्यूशंस कि देयर आर सर्टेन मॉनेटरी मेजर्स, सर्टेन नॉन मॉनेटरी मेजर्स। नॉन मॉनेटरी मेजर्स पहले डिस्कस कर देते कि गवर्नमेंट एंड पीपल कैन लुक फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन,
मेक इन इंडिया करो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो ताकि फॉरेन करेंसी या रेवेन्यू आए, जिससे हमारा करेंसी स्ट्रांग होगा, ओके, डोमेस्टिक करेंसी वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रांग होगा, अप्रिशिएट होगा वैल्यू। और ऑन दी अदर हैंड या तो इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उसके सब्सटीट्यूट यहाँ ढूंढो या वैसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है। ये थे नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर मेनली टॉक्स अबाउट करेंसी को डिवैल्यूएशन, दैट इज डेप्रिशिएट हो जाने दो या डिवैल्यूएट हो जाने दो। ये क्या बोलते हैं कि अगर हमारा करेंसी वर्ल्ड लेवल पे डिवैल्यूएट हो गया या डेप्रिशिएट हो गया, मतलब डॉलर आज जो 70-75 रुपया है, रुपीज वन डॉलर, वो अगर 80-90 हो गया, तो व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, मैं कोई भी चीज इंपोर्टेड चीज इंपोर्ट करने से पहले 10 बार सोचूंगा कि मुझे ज्यादा रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है, तो इंपोर्ट कंट्रोल में आ जाएगा, मैं नहीं करूंगा, हम जैसे लोग नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड आई विल एक्सपोर्ट मोर, क्योंकि मुझे अगर कोई फॉरेनर डॉलर में पेमेंट कर रहा है तो मुझे पर डॉलर 70-75 नहीं मिलते, 80-90 रुपए मिल रहे, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुए और डॉलर अप्रिशिएट हुए। तो करेंसी डिवैल्यूएशन किया जाता है कभी कभी, जो नॉर्मली अलाउ नहीं होता है वर्ल्ड लेवल पे, बट डेप्रिशिएट हो जाता है करेंसी जब खुद से, तो ऑटोमेटिकली हमें फायदा मिलता है बीओपी में। सो दिस वर दी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेजर्स विच वी कैन फॉलो इन आवर लाइफ, और गवर्नमेंट कैन टेक सर्टेन मेजर्स। हम हमारे लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे कैसे चीजें फॉलो कर सकते हैं, हमेशा मैं एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री या एज अ सोशल कॉज मैं हमेशा बताता हूँ अपने वीडियो से, ताकि यू स्टूडेंट्स, यूथ, जो फ्यूचर है इस कंट्री के, आप में ये सेंस जागे कि हम जो चीज फॉलो कर रहे हैं उसमें आज भी तकलीफ क्या है और उस चीज को हम पर्सनल लेवल पे कैसे सुधार सकते हैं, बिकॉज हम इंडिविजुअली ये वर्ल्ड में, ये यूनिवर्स में इंपॉर्टेंट है, और हम अपना रोल अगर अच्छे से प्ले करेंगे तो हम सिस्टम में, इस देश में, इस दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं और अपने आप वो बदलाव से लाखों करोड़ों लोगों का भला कर सकते हैं। हैविंग सेड सो, मी प्रोफेसर राहुल मुखर्जी विल टेक अ लीव फाइनली एंड वुड ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल दैट स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, डू ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो वेरी वेल, एंड होप सो दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज हेल्प यू अ लॉट इन गेनिंग नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड टू क्रैक योर एग्जाम्स एंड सब्जेक्ट वेरी वेल। Refer to my MCQs which I have shared here, the PPTs which I have shared throughout the syllabus while teaching you all, and stay tuned to Online Shine app which is doing a great job of providing you students with your subject knowledge in a very systematic way, crisp and short way to make things much more interesting for you all. Also, if required, you can refer to my book which I have written on managerial economics. Part 1 पे भी लिखा है microeconomics, but आपके लिए part 2 जो SYBMS स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, which is on managerial economics under Rishabh publication. If you want knowledge in detail, तो मेरे शब्द, मेरे कंटेंट है वो बुक में with my respected co-authors. You can refer that particular publication or any other publication is okay which you find good enough for yourself. Till then, take care of yourself, your family, and focus on studies because that is your future and that will design a great career for you, student. Bye bye. Stay tuned to Online Shine app and watch my videos again and again if you have subscribed this particular subject. Also subscribe all other subjects that are into your syllabus, because all reputed college faculties and experienced professors have recorded the subject specially for you people. So do subscribe to other subjects as well to get knowledge in short and interesting for yourself. Take care, students. See you all anytime in life if we get to meet each other. Bye-bye. Take care.